नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से ये खबर सामने आ रही है कि अश्वनी कुमार चौबे ने इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्वनी चौबे का इस्तीफा ले लिया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। दिलचस्प बात यह है कि अश्वनी चौबे आज ही पटना से दिल्ली रवाना हुए थे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि वे शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने जा रहे हैं। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्वनी चौबे पर पहले से ही कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। शुरू से ही मंत्री के रूप में उनके कामकाज पर सवाल उठते रहे हैं। सांसद फंड से लेकर के क्षेत्र के दूसरे मामलों पर भी उन पर आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में उनकी कुर्सी पहले से ही दांव पर थी। चौबे के विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी इस्तीफा ले लिया गया है। वैसे अश्वनी चौबे को इसकी भनक तक नहीं थी। जी हाँ, दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से लंबी चौड़ी बात की उन्होंने। उन्हें कहीं से अंदाजा नहीं था कि मंत्री की कुर्सी भी जा सकती है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बेहतरी के लिए कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं। वैसे भी नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले बिहार के एक दो मंत्रियों की छटनी होनी ही थी। जी हाँ, मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले से ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के 5 मंत्री हैं। विस्तार में 2 नेताओं आरसीपी सिंह और पशुपति कुमार पारस को जगह मिलनी तय हो चुकी है। हालांकि बिहार से पहले 6 मंत्री थे। पिछले साल रामविलास पासवान की मौत के बाद 5 मंत्री रह गए थे। लिहाजा बिहार से नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलने पर पुराने लोगों की छुट्टी की जा रही है, तो अश्वनी कुमार चौबे की भी छुट्टी हो गई है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।